अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हाउस वाइफ टेल्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो रिसेंटली मैंने दराज से एक पार्सल ऑर्डर किया था जो कि मुझे रिसीव हुआ था दो तीन दिन पहले। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसको ओपन करने का। मैंने कहा आपके सामने इसको अनबॉक्स किया जाए और देखा जाए कि दराज की तरफ से हमको जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो हमको सही मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ये देखें, ये मेरा कोड है, मेरा ऑर्डर नंबर है। मैंने 10 नवंबर को ये ऑर्डर किया था, रिसीव मुझे बहुत दिन बाद हुआ है। चलें इसको हमने खोला है, देखते हैं। मैंने इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स मंगाए थे। बीइंग अ ब्लॉगर मुझे फ्लैट लेस करने होते हैं, पिक्चर्स चाहिए होती हैं जिसके लिए मुझे आर्टिफिशियल फ्लावर्स की और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मैट भी मैंने ऑर्डर किया है, वो अब तक आया नहीं है। जब वो आएगा तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि वो कैसा आया है। चलें ये देखते हैं। मैंने एक ये छोटा सा स्मॉल सा पॉट ऑर्डर किया था, ये थोड़ा सा डर्टी हो गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो बहुत अच्छा है, स्मॉल है बट इट्स ब्यूटीफुल। मेरे फ्लैट रेस में मुझे ये काम आएगा। तो ये चीज़ थी। सेकंड मैंने जो मंगवाया था वो लूज़ में फ़्लावर्स मंगाए थे, एक बंच फ्लावर्स का मंगवाया था क्योंकि मुझे चाहिए होता है फ्लैटले। अगेन मैं आपको बताऊं, तो चलें इसको खोल के देखते हैं कि ये कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है। थे बहुत चीप और बहुत सस्ते। ओके, ये मैंने ओपन कर दिया। नो, द क्वालिटी इज़ नॉट वर्थ इट। देखें ये एक फ्लावर जो है ये निकला हुआ है, ये मुझे लगाना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से निकला आया, शायद यहाँ से निकला है। आई डोंट नो यहाँ से निकला है या यहाँ से निकला है। एनीवेज ये मैं बाद में लगा दूँगी, मैं आपको अभी फ़िलहाल दिखाती हूँ। ये देखें, ये भी लूज़ हुआ हुआ, ये भी निकल गया है। तो ये कुछ फ्लावर्स ऊपर जो लगे हुए हैं ये सही हैं, ये एक ठीक है, बस बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। कुछ फ्लावर्स इसमें झड़ गए हैं, ये रहे। फ्लावर्स अच्छे हैं बट आई डोंट नो शिपिंग में ये टूटे हैं या फिर क्या सीन है, मगर इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये बस सोसो है। इसके अलावा मुझे इन्होंने कुछ और भी डाल के दिया इसमें, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था। आई डोंट नो इन्होंने क्यों डाल के दिया है, इसका चार्ज भी लिया है इन्होंने मुझसे। मेरा पैकेज बन रहा था, अभी ये इसमें आ भी नहीं रहा। ये रहा इसका एंड और ये रहा इसका दूसरा एंड। तो ये छोटा सा इन्होंने मुझे, उसके साथ छोटे से दो रोज़ेस भिजवाए हैं। ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, पता नहीं इन्होंने ये क्यों डाल दिया। इसके चार्जेस इन्होंने मुझसे लिए थे। बेसिकली मैंने ये ऑर्डर किया था, ये मेरे ख्याल से 180 रुपीज़ का था, ये 200 का था, मेरे 377 रुपीज़ बन रहे थे और उन्होंने अपनी तरफ से ये ऐड करके उसको पूरे 500 रुपए का कर दिया। तो ये थी अनबॉक्सिंग दराज की। दराज से मैंने इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा चीज़ें मंगवाई हैं, कभी अच्छी आती हैं कभी अच्छी नहीं आती हैं। तो जब भी दराज से ऑर्डर करें तो ट्राई करें आप लोग कि आप लोग जिससे भी ऑर्डर कर रहे हैं वो वेरीफाइड सेलर हो दराज का, या दराज मॉल में उसकी अपनी शॉप हो। आप किसी भी रैंडम पर्सन से परचेज़ करते हुए ज़रूर सोचें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दराज पे मौजूद हर कोई वेरीफाइड हो और हर कोई सही चीज़ें दे रहा हो। कुछ लोग बहुत महंगी चीज़ें भी दे रहे होते हैं, तो इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो डू परचेज़ विद दराज। दराज में आपको बहुत अच्छी ऑफर्स भी मिल जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको नॉर्मली नहीं मिल रही होती। बट बी केयरफुल वाइल ऑर्डरिंग फ्रॉम दराज। चेक करें, वेरीफाइड सेलर्स से परचेज़ करें, दराज मॉल से परचेज़ करें, रेट्स कंपेयर करें, जो आपको सस्ता दे रहा है कम शिपिंग कॉस्ट में दे रहा है उससे लें। बट डू ऑर्डर ऑनलाइन। बीइंग लिविंग इन 21st century, टेक्नोलॉजी की एज है, जहाँ से हमको बेनिफिट मिल सकता है वहाँ से अवेल ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।